नमस्कार, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभ टीवी। दोस्तों, आज आपको घड़ी के बारे में बताऊंगा, मतलब दोस्तों घड़ी से न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी कैसे अपने लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, छोटी सी चीज़ है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा उपकार होता है। देखिए, आमतौर पर हम क्या कहते हैं, इस व्यक्ति का अच्छा समय चल रहा है, इस व्यक्ति का बुरा समय चल रहा है। जब भी दोस्तों घर में बहुत ज़्यादा बुरा समय चले, ठीक है, मतलब किसी का तबीयत ख़राब, नौकरी चला जाना या फिर बहुत दिन से ऐसा कुछ चल रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें, तब कोशिश कीजिए कृष्ण पक्ष के शनिवार को जो आपकी घड़ी है उस घड़ी को बदलने की, ठीक है, और एक नया घड़ी लाइए। घर पे जितने सारे घड़ी है उसको चेंज कीजिए, नया घड़ी लाइए और कोशिश कीजिए नया घड़ी को हमेशा शुक्ल पक्ष के पहले के लगाने के लिए, तो वो बहुत ही बढ़िया रहता है। ठीक है, घड़ी को आप कौन सी समय लगाएंगे, सबसे बढ़िया बात हो कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ पे, ईस्ट पे नॉर्थ वेस्ट पे लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा दोस्तों घड़ी लगाना। अब नेक्स्ट आते हैं हाथों पे, जब आप घड़ी पे थे रिस्ट वॉच, ठीक है, नॉर्मल तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग रिस्ट वॉच हमेशा कोशिश करते हैं कुछ चमड़े से बनी हुई या डिफरेंट स्टाइल के बने हुए पहनने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हम शरीर पे जो भी पहनते हैं उस चीज़ का हमें इफेक्ट होता है। जैसे जब हम जूता पहनते हैं, जूते के अगर कोई कंकर चला जाए तो परेशानी होती है। इसी तरह दोस्तों, हम शरीर में जो भी पहनते हैं वो हर एक चीज़ का कुछ कुछ महत्वपूर्ण होता है। अगर घड़ी हमेशा चलता हुआ रहता है, फ़ोन हमेशा चलता हुआ रहता है, तो इन सब का चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब भी हम लेदर से बने हुए, इस तरह की चीज़ें बने हुए कोई भी घड़ी पहनते, तो क्या होता है, उस एनर्जी को फ्लो सही तरीके से नहीं होने, चाहे शरीर की हो चाहे उस घड़ी की एनर्जी को, वो एक जगह अटक के रखते हैं। इसी कोशिश कीजिए मेटल के चेन की घड़ी पहनने की, खास करके गोल्डन चेन की हो तो बहुत बढ़िया होगा, इससे आपका शुक्र भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। या फिर दोस्तों कोशिश कीजिए गोल्डन या फिर सिल्वर कलर की घड़ी पहनने के लिए मेटल चेन से, तो इससे क्या होगा, शुक्र भी बहुत बढ़िया होगा, आपके रिलेशनशिप, लाइफ लाइफ, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हर एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। एवॉइड कीजिए सिल्वर कलर या फिर कोई भी मेटल जैसी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। नॉर्मल तरीके से घड़ी हम लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, आप लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके साथ साथ कब पहनना चाहिए, कब चेंज करना चाहिए, देखिए दोस्तों कभी भी बंद घड़ी मत पहन के रखना, क्योंकि वो आपकी फेवरेट है या किसी ने दी है। बंद, अगर कोई भी बंद चीज़ को आप पहनेंगे तो कोशिश करता है कि आप नया चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं करते, रेडी नहीं रहते कोई भी नया चैलेंज, कोई भी नया चीज़ को लेने के लिए। हमेशा कोशिश करते पुराना चीज़, पुराना साथ कुछ लेने जाने के लिए, तो कोशिश कीजिए जो पुराना घड़ी है उसको फेंकने की, चल नहीं रहा साइड में रख दीजिए, कहीं और रख दीजिए, आपकी आँखों के सामने ना आए, नया घड़ी लीजिए। नया घड़ी जब आप हाथ में पहनते हो, कोशिश कीजिए शुक्ल पक्ष के जो पहली तिथि है उस पहनने के लिए, कृष्ण पक्ष को शनिवार को कोशिश कीजिए बदलने की, चेंज करने के लिए घड़ी को। तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिविटी आएगी वो बाहर निकलेगी और पॉजिटिविटी कब अंदर लाएंगे। देखिए जो छोटी छोटी चीज़ है, जैसे तो घर में हम कचरा रख देते हैं, ठीक है, हम नॉर्थ ईस्ट पे या फिर नॉर्थ पे हम कचरा रख देते हैं या फिर ईस्ट पे कचरा रख देते हैं, और हम कहते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती, हमारा हेल्थ खराब रहता है, बच्चे की एडुकेशन नहीं होता। देखिए, हम उस जगह को ब्लॉक कर दें। जब भी आप पुराने चीज़ें, पुराने सामान घर पर रख देते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता, तो उस जगह को हम सही तरीके इस्तेमाल नहीं कर पाते और उस जगह पर एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती, इसके कारण से आपको उस जगह की बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता। इसी वजह से घड़ी अगर बंद पड़े है, घड़ी नहीं चल रहा है, बहुत पुराना हो गया, तो कोशिश कीजिए घड़ी को बदलने के लिए। हाथों में कोशिश कीजिए मेटल के, गोल्डन के घड़ी पहनने के लिए। आई नो बहुत लोग स्टाइलिश बोलेंगे कि स्टाइल फैशन में मेरा नहीं आता, हम बहुत लोग कहेंगे मुझे इस तरह की घड़ी, मुझे डिजिटल घड़ी बहुत पसंद है। कोशिश कीजिए, इस छोटी छोटा चीज़ है लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक था। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी वीडियो देखते रहना।